दोस्तों आईपीएल 2023 के ऑक्शन में काफी सारे सुपरस्टार प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम आपको 10 काफी बड़े खिलाड़ियों की लिस्ट बताएंगे जो कि आईपीएल 2023 के ऑक्शन में सबसे महंगे बिकेंगे और उनकी नई टीमों के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आईपीएल 2023 के ऑक्शन में बिकने वाले सभी महंगे प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट बता देते हैं। तो इस लिस्ट के पहले बड़े खिलाड़ी हैं जेसन रॉय, और जेसन रॉय ऑक्शन में लगभग 4 से 5 करोड़ तक की रकम में बिक सकते हैं क्योंकि ये ताबड़तोड़ ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं और इस प्लेयर को सनराइजर्स हैदराबाद या फिर कोलकाता की टीम ऑक्शन में परचेज कर सकती है। इसके बाद इस लिस्ट के दूसरे काफी बड़े प्लेयर है क्रिस लिन, और क्रिस लिन के प्राइस के बारे में बात करें तो ये लगभग 5 से 6 करोड़ की रकम में बिक सकते हैं और इस प्लेयर को कोलकाता की टीम ऑक्शन में खरीदने का पूरा प्रयास करेगी। इसके बाद इस लिस्ट के तीसरे काफी बड़े प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान यानी कि पैट कमिंस, और पैट कमिंस को कोलकाता की टीम रिलीज करेगी। तो ऐसे में पैट कमिंस के ऊपर ऑक्शन में लगभग 7 करोड़ के आसपास की बोली देखने को मिलेगी और इस प्लेयर को दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट दोनों ही टीमें खरीदने का प्रयास करेगी क्योंकि दोनों टीमों को एक फॉरेन बेहतरीन फास्ट बॉलर की तलाश। इसके बाद इस लिस्ट के चौथे बड़े प्लेयर है जेसन होल्डर, और जेसन होल्डर को लखनऊ सुपर जायंट की टीम रिलीज कर सकती है। तो ऐसे में होल्डर के ऊपर ऑक्शन में लगभग 5 करोड़ तक की बोली लगती हुई नजर आएगी क्योंकि जेसन होल्डर बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी कमाल का प्रदर्शन करके दे सकते हैं। तो इस वजह से होल्डर को ऑक्शन में काफी सारी टीमें टारगेट करेगी और खासतौर से मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस की टीम जेसन होल्डर को अपने रडार पर रखेगी। इसके बाद इस लिस्ट के पांचवे काफी बड़े प्लेयर हैं मुंबई इंडियंस के धाकर ऑलराउंडर और आईपीएल के सुपर स्टार प्लेयर्स में से एक यानी कि कैरन पोलार्ड, और पोलार्ड को मुंबई इंडियंस की टीम रिलीज कर देगी। लेकिन इस बार के ऑक्शन में पोलार्ड उतना एक्सपेंसिव नहीं बिकेंगे और लगभग 4 करोड़ तक कैरन पोलार्ड ऑक्शन में बिक जाएंगे और इस प्लेयर को ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स दोनों ही टीमें टारगेट करेगी क्योंकि दोनों टीमों को बेहतरीन ऑलराउंडर की तलाश है। इसके बाद इस लिस्ट के छठवें काफी बड़े प्लेयर हैं मिस्टर आईपीएल यानी कि सुरेश रैना, और रैना आईपीएल 2023 के ऑक्शन में अपना नाम देंगे और इस प्लेयर को ऑक्शन में गुजरात टाइटंस अपने रडार पर ले सकती है, जहां पर रैना के प्रेडिक्टेड प्राइस के बारे में बात करें तो लगभग 4 से 5 करोड़ तक की रकम में सुरेश रैना आईपीएल 2023 के ऑक्शन में बिकते हुए नजर आएंगे। इसके बाद इस लिस्ट के सातवें काफी बड़े प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के तूफानी तेज गेंदबाज यानी कि मिचेल स्टार्क, और स्टार्क के ऊपर ऑक्शन में अच्छी खासी बिडिंग देखने को मिलेगी जहां पर लगभग 10 करोड़ के आसपास की रकम में स्टार्क बिकेंगे और इस प्लेयर को आरसीबी अपने रडार पर रख करके परचेज करने का पूरा प्रयास करेगी। इसके बाद इस लिस्ट के आठवें काफी बड़े प्लेयर है इंग्लैंड के धाकर ऑलराउंडर यानी कि सैम करन, और सैम करन के ऊपर आईपीएल के ऑक्शन में पैसों की बरसात होगी क्योंकि सैम करन काफी वैल्यूएबल प्लेयर है और इनको मार्की प्लेयर्स की लिस्ट में भी रखा जाएगा जहां पर 10 करोड़ के आसपास सैम करन बिकेंगे और इस प्लेयर को चेन्नई की टीम ऑक्शन में खरीदने का पूरा प्रयास करेगी क्योंकि सैम करन पहले भी चेन्नई की टीम की तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे चुके हैं। इसके बाद इस लिस्ट के नौवें काफी बड़े प्लेयर है इंग्लैंड के कप्तान यानी कि बेन स्टोक्स, और बेन स्टोक्स आईपीएल 2023 के ऑक्शन के सबसे महंगे प्लेयर साबित हो सकते हैं जहां पर स्टोक्स के ऊपर 14 से 15 करोड़ तक की बिडिंग देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से क्रिस मॉरिस मिनी ऑक्शन में लगभग 16 करोड़ में बिके थे तो उस तरीके से स्टोक्स के ऊपर भी 14 से 15 करोड़ तक की बिडिंग देखने को मिलेगी और इस प्लेयर को राजस्थान समेत आईपीएल की लगभग टीमें टारगेट करेगी। इसके बाद इस लिस्ट के आखिरी काफी बड़े प्लेयर है ईशान किशन, और अगर ईशान किशन को मुंबई की टीम रिलीज करके ऑक्शन में रीबाई करने का प्रयास करेगी तो ईशान किशन के ऊपर
पर भी लगभग 10 से 12 करोड़ तक की बिडिंग देखने को मिलेगी और मुंबई की टीम ही वापस से इस प्लेयर को परचेज करने का प्रयास करेगी। तो यही था आईपीएल 2023 के लिए मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स और उनकी प्रेडिक्टेड टीम। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।